मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज है 4th of July, अभी बज रही है सुबह के 7:45 और आज से अव्युक के स्कूल दोबारा से ओपन हो रहे हैं। तो आज अव्युक का फर्स्ट डे स्कूल है, मतलब रीस्टार्ट पे। तो मैंने सोचा कि उन्हें ब्लॉग तो करना ही है, तो अभी तो अव्युक सो रहा है, मैं उठ गई हूँ। आज मैं उसको लंच में देने के लिए सोच रही हूँ, अब क्योंकि 3 घंटे का हो गया है। पहले वो 2 घंटे के लिए जाता था, तो अब 3 घंटे के लिए जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में उसको दे देती हूँ कटलेट्स। तो मैंने आलू जो है उबाल दिए थे, मैं नहाने चली गई थी, मैं नहा के आ गई हूँ। अब थोड़ा सा घर सेट करेंगे, तब तक स्टीम निकल जाएगी और उसके बाद हम बनाएंगे कटलेट्स, फिर हम उसको छोड़ने जाएंगे, उसको तैयार करेंगे। अभी उसे सोने देते हैं क्योंकि वो रात को ऑलरेडी लेट ही सोया था, 12:30 बज गई थी उसको सोने में, इवन 1:15 बज गई थी उसको सोने में। तो उसको थोड़ा सोने देते हैं, फिर उसको नहला धुला के तैयार करके भेजेंगे स्कूल। लाइफ कितनी जल्दी आगे चली जाती है ना, कभी हम लोग स्कूल जाते थे, मुझे याद है मैं उठने में इतनी बड़ी वाली चोर थी ना, उठती नहीं थी और बाथरूम में जाकर भी सो जाती थी। स्कूल में जब जाती थी, जब नहाने जाती थी, तो बाथरूम में जाके सो जाती थी। मतलब इतनी छोटी थी, बड़ी थी, मुझे याद है तब का, लाइक 4th-5th क्लास में। तो मम्मी पापा मुझे भेजते थे नहाने के लिए और मैं बाथरूम में जाके सो जाती थी, फिर जब मैं नहीं आती थी आवाज़ देते थे, फिर मेरी नींद खुलती थी। तो अभी आज हम अव्युक को स्कूल भेज रहे हैं और अब कोई बहाना नहीं है हमारे पास सोने का। तो आंटी भी आ गई हैं, आंटी ने बर्तन कर दिए हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं अभी। तो ये पूरा मेस हो रखा है, पहले मेस क्लीन करते हैं और फिर जल्दी से चलेंगे किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ, तो बाकी सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई थी कि आंटी भी कर रही थी और मैं भी, तो बस बेड रह गया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई, सारे आलू जो है मैंने छील लिए, इसके बाद इसमें मसाले और ब्रेड मिला दी और इसके मैं कटलेट्स फ्राई कर लूँगी। मीनवाइल आंटी का काम ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो मैंने कहा आंटी से कि आप ले लो, और इसी के अलावा थोड़ा कटलेट भी दे दिया था आंटी को। तो अगर कुछ इस तरीके से रहता है तो मैं उन्हें नाश्ता और चाय दे देती हूँ सुबह के टाइम पर। तो यहाँ पर बस मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया, अब अव्युक नहलाने जा रही हूँ मैं। यह अव्युक का आज का लंच जिसमें कटलेट है, मखाने हैं, केक है और बनाना रखा था मैंने। गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे मैंने ले लिया दही, इसको मैं बहुत अच्छे से पहले फेंट लूंगी, जितना ज़्यादा अच्छे से फेटेंगे ना तो कड़ी फटती नहीं है। तो अब इसके अंदर लगभग 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है बेसन, और अब इसको फिर से हमें काफ़ी अच्छी देर तक फेटना है ताकि बेसन में कोई भी लम्स ना रह जाए। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से इसको मैं चला दूँगी। तो अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, तो मसाले में सबसे पहले जो जाएगा वो जाएगा हल्दी पाउडर, अखा धनिया का पाउडर, थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च, इतनी सी। नमक जो है मैं बाद में ऐड करती हूँ, तो बस यही मसाले मुझे ऐड करने हैं और इसको काफ़ी अच्छे से मैं मसालों के साथ भी विस्क कर दूँगी। और अब इसमें जाएगा पानी, तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें खूब सारा पानी। उसके बाद भी इसे अच्छे से विस्क करेंगे पानी के साथ भी 2-3 मिनट तक। तो ये मेरा कड़ी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ले लिया मैंने तड़के के लिए, यहाँ पे है हींग, जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी राई, अदरक कद्दूकस की हुई, देन उसके बाद ये है एक छोटी सी हरी मिर्च। तो ये जाएगा इसके तड़के में। तो चलिए फिर कड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हम तड़के में भी डालेंगे ऑयल। और इसके बाद इसमें जाएगा ये कड़ी का मिक्सचर, ये नीचे नीचे बेसन है तो इसे हम विस्कर से फिर से चला लेंगे एक बार। तो
तो गाइस अब इसके अंदर जाएगा फ्रेशली चॉप धनिया, तो गाइस यहाँ पे मेरी कढ़ी बन रही है, यहाँ पे चावल चढ़ा दिया मैंने, तो ऐसे मार निकाल के बनाती हूँ मैं चावल बॉईल करके। तो चलो अब पकौड़े बना लेते हैं कढ़ी के। तो कढ़ी में जब एक बॉईल आ जाएगा ना, फिर आप इसकी गैस बिल्कुल लो कर देना और इसे लो फ्लेम पे कम से कम आधे घंटे तक, 25-30 मिनट तक पकने देना। तो देखो मेरे कढ़ी में हल्का हल्का बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया बेसन, अब इसमें मैं मिलाऊंगी मसाले। तो इसमें जाएगा हल्दी, धनिया पाउडर, दाल का मसाला इतना सा, और थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी अजवाइन हल्की सी, बिल्कुल ये इसमें गई अजवाइन हल्की सी, मैंने इसे हाथ से क्रश कर लिया है। हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इसके बाद इस पे जाएगा पानी और इसको हम मिक्स कर देंगे। गाइस अच्छा खासा कढ़ी लगभग मेरी 20-25 मिनट से पक रही थी, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो ये मेरी पकौड़ियाँ रेडी हैं, अब बस इन्हें डालना है कढ़ी में। अब ये पकौड़ियों के साथ थोड़ी देर पकेगी कढ़ी। तो गाइज मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने लिए कढ़ी चावल, और ये लेके आई है भिंडी और रोटी। तो आज मस्त वाला खाना है हम दोनों का। टेस्ट करना कढ़ी चावल कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, यम्मी बने हैं। मैं खाती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किए। अच्छे बने यार। अरे मैंने पकौड़े में ना सोडा नहीं डाला, थोड़ा सा पिंच ऑफ डाल सकती थी, बट इसके बिना भी ठीक लग रहा है।